नमस्कार दोस्तों, प्रिय एजुकेशन एकेडमी के न्यूज यूम करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिसे हम परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण समझते हैं, तो उसको हम लोग डिस्कशन में लेंगे और जिससे इसके बारे में आपको जानकारी हो सके, इसके बारे में तैयारी हो सके और आने वाली परीक्षाओं में यदि उससे संबंधित सवाल आपको पूछे जाते हैं तो उस पर आपकी जो है तैयारी बेहतर दृष्टिकोण से हो सके। तो राज्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश से एक महत्वपूर्ण न्यूज है, वहाँ की सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि दालचीनी का जो है वहाँ पर संगठित स्तर पर जो है उत्पादन कार्य जो है प्रारंभ किया जाएगा। दालचीनी के बारे में भी हम थोड़ा सा बताएंगे, पहले ये देख लेना जरूरी है कि ये पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर दालचीनी के संदर्भ में एक जो संगठित स्तर पर जो उत्पादन कार्य जो प्रारंभ किया जाए। दालचीनी एक जो है वृक्ष है जो 10 से 15 मीटर ऊँचा होता है और इसकी छाल में एक ऐसी विशेषता पाई जाती है जिससे ये सुगंधित होता है और ये मसालों के रूप में जो प्रयोग में लाया जाता है। दक्षिणी एशिया, भारत से दक्षिणी एशिया में जो है इसके वृक्षों की जो है बहुतायत होती है, तो यह इसकी विशेषता है वृक्षों की। और यह जो है गर्म मसाले यानी कि मसाले की श्रेणी में जो सम्मिलित होता है, इसलिए यह जो है महत्वपूर्ण है। भारत वैसे भी मसालों के लिए जो है वैश्विक स्तर पर जाना जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में दालचीनी का जो है पहली बार संगठित स्तर पर उत्पादन कार्य शुरू किया गया है, तो यह इम्पॉर्टेंट है कि दालचीनी का जो है संगठित स्तर पर उत्पादन, दालचीनी का संगठित स्तर पर जो है उत्पादन कार्य जो है वो कहाँ पे शुरू किया गया है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में ये शुरू किया गया है। दूसरा, अनुसूचित जातियों के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए विकास से संबंधित एक कोष की स्थापना किया जा रहा है। और अगर इंडिया के स्तर पर देखा जाए तो राजस्थान जो है पहला राज्य है जो इस तरीके से काम कर रहा है, यानी कि हाल फिलहाल में राजस्थान में जो है ओबीसी विकास कोष और इसी तरीके से जो है अनुसूचित जाति जो है विकास कोष की स्थापना किया गया है। तो ये भी सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है, हमेशा से जो है इस तरीके के विषयों पर जो बातचीत होती है और चर्चा के कारण से जो है ये परीक्षा को भी ध्यान में रखते हुए सवाल कभी कभी मिलान के लिए पूछा जाता है या किसी अन्य प्रश्न के सहायक के रूप में भी पूछा जा सकता है। पिछले कुछ समय से यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के ही ट्रेंड में काफ़ी कुछ परिवर्तन आया हुआ है, जहाँ पर विशेष करके यूपीपीएससी की अगर हम बात करें तो वहाँ के प्रश्नों में जो है कई आयामों को जोड़कर देखा जाता है, तो कई बार कुछ चीज़ें दूसरे प्रश्नों की भी जोड़ दी जाती है, इसलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना आवश्यक होगा। अगला खेल से है, विराट कोहली को जो है फायरबोल्ट ने जो है विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। फायरबोल्ट के द्वारा जो है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि ये महत्वपूर्ण है, कई बार दो पक्ष होते हैं उनमें से अगर कोई महत्वपूर्ण होता तो सवाल पूछा जाता है, चूंकि ये महत्वपूर्ण है इसलिए इसके साथ जोड़ करके ये सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला T20 से संबंधित है, T20 में जो है 400 छक्का बनाने वाले, 400 छक्के यानी कि 406 लगाने वाले जो खिलाड़ी का नाम जो है रोहित शर्मा है। हाल फिलहाल में जो है रोहित शर्मा और जो विराट कोहली दोनों ही T20 के क्षेत्र में जो है अलग अलग खिताब को अर्जित कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी भारत की क्रिकेट टीम के जो एक महत्वपूर्ण जो प्लेयर है, बैट्समैन है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से भी सवाल आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपको इन सभी चीज़ों को भी बीच बीच में देखते रहना चाहिए जिससे भी सवाल आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। वह महिला हॉकी खिलाड़ी जिसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है, गुरजीत कौर को जो है अभी दिया गया है, तो यहाँ से भी सवाल जो है आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। गुरजीत जो है कौर यानी कि हॉकी खिलाड़ी जिसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का जो है पुरस्कार दिया गया है, उनका नाम क्या है, गुरजीत कौर नाम है। तो इस तरीके से ये जो है प्रश्न परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण बन जाता है। दूसरा है जिमेक्स, अभी हाल में जो भारत और जापान के बीच में संयुक्त अभ्यास होते रहते हैं अलग अलग देशों के बीच में, अंतर प्रचालन क्षमता का जो है प्रदर्शन करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए और दोनों देशों के बीच में बेहतर जो है आत्मविश्वास को पैदा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो संयुक्त अभ्यास अलग अलग देशों में समय समय पर होते रहते हैं, तो भारत और जापान के बीच में भी हाल में ही
अरब सागर में जो है, ये भी कभी कभी स्थान भी पूछ लिया जाता है, तो अरब सागर में देखा जाए तो अरब सागर में जिमेक्स के नाम से भारत और जापान के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो है आयोजन किया गया है, तो इसलिए ये भी सवाल जो है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है। एक महत्वपूर्ण जो सूचना रूस से है, यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइल का जो है पहली बार अगर देखा जाए तो परमाणु पनडुब्बी के माध्यम से जो है यहाँ पर परीक्षण किया गया। पूर्व में जो हम लोगों ने देखा था वो उत्तरी कोरिया ने भी इसको बना लिया था, लेकिन यहाँ पर बात केवल हाइपरसोनिक मिसाइल के बनाने की नहीं बल्कि परमाणु पनडुब्बी के द्वारा इसको परीक्षित करने का है, यानी कि परमाणु पनडुब्बी के द्वारा इसका सफल परीक्षण कहां पर किया गया है, रूस में किया गया है। तो इस माध्यम से जो है ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो कि आपके लिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी संपूर्ण तैयारी के लिए महत्वपूर्ण थे। तो यही थी और इसको आप लोगों ने देखा। आप इसके साथ साथ अपने परंपरागत विषयों को भी देखते रहिए और इसी तरीके से एक बेहतर कल्चर को अपने माइंड में बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए, तैयारी केवल किताबों का पढ़ना नहीं बल्कि एक बेहतर कल्चर में अपने आप को रखना है, आपका माइंड जो है उस कल्चर के अकॉर्डिंग जो काम कर सके, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इस तरीके की तैयारी जो है महत्वपूर्ण होती है। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरीके के एक बेहतर अप्रोच के साथ अपने लक्ष्य की दिशा में आप बढ़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, अच्छे तरीके से आप लोगों को फीडबैक भी मिल रहे हैं। तो आने वाले समय में आप अपने परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इसी तरीके से एक लय के साथ आगे बढ़ते रहिए। पुनः अगले लेक्चर में हम कुछ नए और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।